Hello students, good morning. I hope you all are fine. आज हम अल्फ़ाबेट करेंगे. There are 26 letters in our English alphabet. English alphabet में 26 letters है. तो आज सभी letters के बारे में हम देखेंगे. सबसे पहले A for aeroplane, जो कम समय में हम एक जगह से दूसरी जगह पर by air जो पहुंच सकते हैं उसको हम एरोप्लेन कहते हैं. फिर है बी फॉर बटर. बटर यानी कि हम ब्रेड पर लगा के खाते हैं और कई सारी चीज़ों में हम बटर का यूज़ करते हैं, तो बी फॉर बटर. सी फॉर कप, मिल्क, कॉफ़ी, टी, जो हम जिसमें पीते हैं उसको हम कप बोलते हैं, तो सी फॉर कप. डी फॉर डोर, ईगल. ई फॉर ईगल, जो सबसे फास्ट फ्लाई करता है वो बर्ड है ईगल. ई फॉर ईगल. एफ फॉर फ्रॉग. एफ फॉर फ्रॉग. जी फॉर गार्डन. जी फॉर गार्डन, जहाँ सब बच्चे खेलने जाते हैं वहाँ झूला, लसरपट्टी ये सब होता है, उसको हम गार्डन बोलते हैं. जी फॉर गार्डन. बहुत सारे ट्रीज भी होते हैं वहाँ पे. एच फॉर हेयर, वो एक एनिमल है. आई फॉर इंक पॉट, जो पहले इंक से लिखते थे हम, तो इंक को भरने के लिए ये इंक पॉट है. जे फॉर जैकेट. जे फॉर जैकेट, जो ठंडियों में हम पहनते हैं ना वो, जे फॉर जैकेट. के फॉर कैटल, जिसमें हम टी भरते हैं एंड वो गर्म गर्म रहती है उसमें. के फॉर केटल. एल फॉर लैम्प, जो हम घर में रखते हैं, फिर नाइट में हम नाइट लैम्प में भी यूज करते हैं, वो है एल फॉर लैम्प. और अब आया है सबका फेवरेट, एम फॉर मैंगो. सबको पसंद है ना, अभी सबने बहुत सारे खाए होंगे. एम फॉर मैंगो. एन फॉर नीडल, जो मम्मा नीडल और थ्रेड की हेल्प से कुछ ना कुछ जोड़ते हैं, जो फट गया हो उसको मम्मा जोड़ती है. फिर इंजेक्शन में भी नीडल का यूज़ होता है, फिर सोइंग मशीन में भी नीडल का यूज़ होता है. नीडल के भी डिफरेंट डिफरेंट यूजेस होते हैं. एन फॉर नीडल. ओ फॉर ओवन, पिज़्ज़ा पफ वगैरह कुछ बनता है ना ओवन में, ओ फॉर ओवन. P for plate. P for plate, जिसमें हम खाना खाते हैं, P for plate. Q for quilt, जो हम चद्दर ओढ़ के सोते हैं ना पीठन में, भी हम उसको ऐसे ओढ़ते हैं तो उसको हम quilt बोलते हैं. R for rock, रॉक यानी कि पत्थर, बड़ा सा पत्थर, उसको हम रॉक बोलते हैं. आर फॉर रॉक. एस. एस फॉर सोप. एस फॉर सोप. टी. टी फॉर ट्रेन. टी. T for train.
तो हम पटरी जो ये ट्रेन है वो पटरियों पर चलती है और हम एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेन में जाते हैं, तो ये T4 ट्रेन। U फॉर अंकल, चाचा, मामा, मौसा और फूफा, इसको हम अंकल बोलते हैं ना, तो U फॉर अंकल। V फॉर वास, जिसमें हम फ्लावर्स रख के उसको डेकोरेट करते हैं, V फॉर वास। W फॉर वॉच, X फॉर एक्सरे, हमारे हड्डियों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, कोई कुछ लग जाए तो हम एक्सरे करवाते हैं ये देखने के लिए कि हमारी सभी हड्डियाँ हैं वो सही सलामत है कि नहीं, तो वो एक्सरे के थ्रू हमें पता चल जाता है। Y फॉर यार, जो हमेशा ठंड वाले प्रदेश में ही होते हैं, बर्फ वाले प्रदेश में ज़्यादा ये देखने को मिलते हैं। एंड Z फॉर जू। ओके, तो ये था हमारा अल्फाबेट्स और अब हम इसका रिवीजन भी करेंगे एक बार। A फॉर एरोप्लेन, B फॉर बटर, A फॉर एरोप्लेन, B फॉर बटर, C फॉर कप, D फॉर डॉर, E फॉर ईगल, F फॉर फ्रॉग, G फॉर गार्डन, H फॉर हैरे, I फॉर इंक पॉट, J फॉर जैकेट, K फॉर केटल, L फॉर लैम्प, M फॉर मैंगो, N फॉर नीडल, O फॉर ओवन, P फॉर प्लेट, Q फॉर क्वाइट, R फॉर रॉक, S फॉर सॉप, T फॉर ट्रेन, U फॉर अंकल, V फॉर वास, W फॉर वॉच, X फॉर एक्सरे, Y फॉर याक, Z फॉर जू। ओके, तो ये था हमारा अल्फाबेट A to Z के। अब हमें फिर से इसको रिवाइज करना हो तो कैसे करेंगे? A फॉर एरोप्लेन, B फॉर बटर, ऐसे आपको जैसे मैंने अभी आपको बोल कर दिखाया वैसे ही आपको घर पर इसकी प्रैक्टिस करनी है। एंड जो मैं आपको भेजती हूँ वो आपको एक बार लिखना है। आज हम हाफ ही लिखेंगे, कल हम हाफ अल्फाबेट्स के लेटर्स लिखेंगे, वरना आप लोग एक साथ थक जाओगे। ओके, एंड ये ऐसे ही आपको जैसे मैंने इसमें कहा है और जो मैं लिख कर भेजती हूँ वैसे ही आपको ये सब लर्न करना है। ओके, वेरी गुड। फिर ये सब मैं आपको पूछूंगी। ओके, थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे होम।